मजा आ रहा है, टेम्परेचर डाउन है, मतलब इस वक्त बच्चे जो हैं बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के ट्रैकिंग पर जा रहे हैं, जोश है, वलवला है, खुशी है। में हमारे पास यहाँ पर लेपर्ड है, उसके बाद हमारे पास ब्लैक बियर है, मस्क डियर है, हिमालयन फिरो है। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील बन्नी के खूबसूरत विलेज लवांग में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल लवांग के बच्चों को इनवाइट किया है ट्रैकिंग के लिए। ये रूट है तरनाली टू सरथल बाय लवांग, इसमें बच्चे और लोकल भी लोग हिस्सा ले रहे हैं। आज जो वीडियो आने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बिना देरी के करते हैं वीडियो शुरू। हायर सेकेंडरी स्कूल लवांग में रूबरू हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ताहिरा कोसर है। किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th क्लास में पढ़ती हूँ। आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनवाइट किया है ट्रैकिंग जाने के लिए, इसका मकसद क्या है? हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे सब मिलकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ तरनाली टू सरथल वाया लवांग के लिए हम वहाँ पे टूर पे जा रहे हैं, ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। थ्रू जंगल का क्या फायदा है, अवेयरनेस पैदा करेंगे हम, खुद वहाँ पे पहले उसकी अहमियत जानेंगे, फिर हम लोगों तक पहुँचाएंगे। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम हसीबुल्ला मलिक। ट्रैकिंग पर आपने जाना है गवर्नमेंट कश्मीर के साथ, जो कि फॉरेस्ट ब्लॉक बनी के अंडर आता है, ठीक, उसके साथ कोलैबोरेट करके हम यहाँ पे एक ट्रैकिंग जारी कर रहे हैं। मिशन को कम करते हैं वगैरह वगैरह, उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। हम पहले उससे खुद को अवेयर करेंगे और उसकी मदद से हम चाहेंगे कि हम लोगों को भी अवेयर करें। ये जो है एक रैली की सूरत में यहाँ से गवर्नमेंट स्कूल कुलवांग से जाने वाली है। नाज़रीन, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे ट्रैकिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। हरी झंडी दिखाने के लिए हमारे प्रिंसिपल साहब और बनी वैली में बड़े बड़े पहाड़ हैं, जंगल है, जंगली जानवर हैं। बच्चे अवेयरनेस होते हैं तो हमारे जंगल भी बच जाएंगे। पर टेम्परेचर की बात में करूं तो बहुत टेम्परेचर डमन है, फिर भी बच्चे खुश है, जोश है, वलवला है यार कि आज हम जा रहे हैं ट्रैकिंग पर। मुझे लगता है कि बच्चों ने जरूर रिफ्रेशमेंट के लिए अपने बैगों में टॉफियां, बिस्कुट कुछ न कुछ डाला होगा जरूर। मैडम, क्या आपकी ये फर्स्ट ट्रैकिंग है कि पहले भी आपने पहाड़ों में ट्रैकिंग की है? नहीं सर, फर्स्ट है। फर्स्ट है, तो कैसा लगा आपको हमारे खूबसूरत पहाड़? अच्छा। मैडम जी, आपने सोचा था कि जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील बनी की इन खूबसूरत वादियों में घूमने का आप? पहले तो मैं थैंक्स करती हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम यहाँ विजिट कर पाए। तो मतलब ये बहुत हिडन सी चीज़ है, प्लेसेस है जो हमने कभी भी एक्सप्लोर नहीं करी थी। मतलब यकीन नहीं होता, जैसे हम लोग हिमाचल ट्रैवल करते हैं, देहरादून, लेकिन ये इतनी प्यारी प्यारी जगह है तो मुझे लगता है सबको यहाँ ट्रैवल करना चाहिए। जगह पर हम इस वक्त रूबरू हैं,
इस वक्त टेम्परेचर बहुत डाउन है। बैक साइड में देवदार के खूबसूरत, जिसे हम जम्मू कश्मीर के सोना के पेड़ भी कह सकते हैं, ब्यूटीफुल है। टेम्परेचर जैसे मतलब मजा आ रहा है, टेम्परेचर डाउन है, मतलब हमें वहाँ पे मतलब लोअर एरियाज में ऐसा टेम्परेचर नहीं मिलता देखने को, तो हमारे लिए ये न्यू जर्नी एडवेंचरस है। जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से तो आज आपको कितनी जिम्मेवारी है, क्योंकि बच्चे भी साथ में? देखिए, जिम्मेवारी तो रहती है, ये हमें ऑन द डायरेक्शन ऑफ वर्दी डीएफओ बसोली श्री अश्विनी कुमार जी और ओवरऑल सुपरविजन ऑफ वर्दी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर बनी श्री नरेश शर्मा, उनकी अगुवाई में हम आज ये इस साल हमने एक ट्रैकिंग रूट एस्टैब्लिश किया है जिसका नाम तरनाली टू सरथल वाया लवांग है। ठीक, वो हमने ट्रैकिंग रूट इस साल जो एस्टैब्लिश किया है, उस ट्रैकिंग रूट पर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम ट्रैकर्स ट्रैकिंग करें, तभी किसी भी चीज़ का बनाने का मकसद रहता है कि उसको यूटिलाइज किया जाए। जब तक यूज़ में नहीं है तब तक उस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। उस चीज़ को यूज़ करने के लिए हमने हायर सेकेंडरी स्कूल लुआंग के बच्चों को और लोकल ट्रैकर्स को साथ में लेकर वहाँ ट्रैकिंग करेंगे इंशाल्लाह। बाकी आगे अभी आप साथ हैं, चलिए वहाँ हम इंजॉय करेंगे। बच्चे अवेयरनेस होते हैं तो जंगलों को कितना फायदा हो सकता है? बहुत ज्यादा, क्योंकि ये हमारा मुस्तकबिल जो है वो बच्चे हैं, यही कल हमारे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। इनको अवेयरनेस का मतलब है पूरे अवाम को अवेयरनेस, क्योंकि बच्चे यहाँ से अवेयर होकर जंगलों की अहमियत देखेंगे, उसके बाद ये घरों में जाकर अपने पेरेंट्स को, अपने पड़ोसियों दोस्तों को जंगलों की अहमियत बताएंगे। ये हमें एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है, इंशाल्लाह ये कामयाब रहेगा। बैक साइड में और फ्रंट में भी देवदार के पेड़ हैं, ये हमारी जम्मू कश्मीर की आन बान शान है। खूबसूरत लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, मेरे साथ रूबर्ट साहब हैं। हम इन पहाड़ों के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं, इन जो नदियाँ हैं, झरने हैं, यहाँ की व्यू है, बर्फ है, यही क्या है? भारती रंजना। आपका नाम? सोनाक्षी देवी। तो किन्हीं क्लास में पढ़ते हैं? 11th में पढ़ते हैं। 11th। ठीक है, पढ़कर क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर। हाँ जी, डॉक्टर। डॉक्टर बनना? हाँ जी। डॉक्टर बनकर कई बच्चे जो है बाहर चले जाते हैं, तो अगर डॉक्टर बने तो आप क्या खिदमत करेंगे, गाँव में करेंगे या शहरों में? गाँव में भी और शहरों में। अच्छा, दोनों जगह। हाँ जी। बच्चे भी पानी को चेक कर रहे हैं, कितना ठंडा पानी है? सर बहुत ठंडा। ठंडा है? सर बहुत ठंडा। नाजरीन, बनी हमारा एक गुलदस्ता है, जिस नजरिए से भी आप देखते हो बहुत खूबसूरत है। पहाड़ हैं, चारों तरफ पहाड़ है, जंगली जानवर है, इखलाक है यहाँ पर लोगों में। जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एरो का निशान दिया है ताकि ट्रैकिंग करने वालों के लिए आसानी हो।
नाजरे इस वक्त यहाँ पर यादगीर जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वीडियो शूट हो रही है और यहाँ पर जो इन्होंने बनाए हैं बैठने के लिए कंफर्टेबल, हमारे टीचर साहिबान यहाँ पर भी बैठे हैं। नाजरे इस वक्त जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर टूरिस्ट हट बनाया है, मैं जहाँ पर रूबरू हूँ तो इस वक्त फॉर साहब, प्रिंसिपल साहब, ये आसिफ साहब हमारे फॉर साहब हैं, पूरा डिपार्टमेंट के आंवला हैं, ट्रैकर हैं हमारे बच्चे स्कूल के। टूरिस्ट हट इसका छोटा सा गेट अभी ओपन कर रहे हैं, ये बिल्कुल जंगल के साथ में है। कितना खूबसूरत टूरिस्ट हट बनाया है जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने। हाँ जी मलिक साहब, क्या कहना चाहते हैं आपने जो ये ट्रैक किया आज? मुझे बहुत ही अच्छा लगा और जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये मौका दिया है, बच्चों को भी मौका दिया, मुझे भी मौका दिया, आम लोगों को मौका दिया, तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये बार बार ऐसा अवेयरनेस कैंप रखें ताकि हमारे बने के बच्चे भी, आम लोग भी अवेयरनेस हो और हमारे जो जितने जंगल हैं या नदी है, झरने हैं, जानवर हैं, हमारे थार है, हमारे शेरों, हमारे मुनाल हैं, इनकी हिफाजत हो ताकि बाहर से टूरिस्ट आए, पूरी वर्ल्ड से आए और हमारी बनी की तरक्की हो। पहाड़ों में कितने क्यूट बच्चे होते, आपको शहरों में ऐसे बच्चे खूबसूरत कभी मिल ही नहीं सकते और टैलेंटेड बच्चे हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? भी घूमना अच्छा अच्छा लगता है आपको? अच्छा नहीं लगता।